नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा। दोस्तों तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या जिक्र की गई है इस नोटिफिकेशन में, बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, और लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल गौतम नगर भोपाल द्वारा जारी किया गया है 5 तारीख को, है ना। डेट आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये 5 तारीख को है। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा ये जो प्रति है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि समस्त संभागीय संयुक्त संचालक मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की गई है, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त संकुल प्रचार हाई स्कूल। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है दोस्तों इसमें नोटिफिकेशन में, ये आप विषय दे सकते हैं आप यहाँ पर, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में पूर्व से तैयार पैनल के आवेदनों की जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज करने के विषय में है। तो दोस्तों क्लियर कर दूँ कि ये जो जानकारी है, ये पूर्व में जो तैयार पैनल है दोस्तों आवेदनों की जानकारी GFMS पोर्टल में दर्ज करने के विषय के संबंध में है। ये पूरा का पूरा जो ये नोटिफिकेशन आया है इसी संबंध में है। और देख लेते हैं अब, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो डेट है, अब जो ये डेट जो है, पहले 5 तारीख डेट थी दोस्तों ये GFMS पोर्टल में अपडेट करने की जानकारी के लिए, अब उसकी जो डेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संदर्भित यहाँ पर संकुल प्राचार्य और शाला प्रभारी द्वारा विद्यालय स्तर पर पूर्व से तैयार पैनल के आवेदनों की जानकारी GFMS पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे या दिए गए थे पहले, और कार्य हेतु शाला प्रभारी संकुल प्रचार। अब जो है दोस्तों ये डेट जो है 5 तारीख से बढ़ाकर 8/7/2024 तक वृद्धि की जाती है, है ना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये देख सकते हैं अतः उक्त कार्यवाही GFMS पर समय सीमा पर करने का कष्ट करें, ये संलग्न किया गया है प्राचार्यों के हाथों पर, ये जो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन दिया गया है डेट के लिए, है ना। डेट क्लियरिफिकेशन किया गया है, डेट कम थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि संचालक राज्य शिक्षा केंद्र को प्रतिलिपि भेजी गई कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश, है ना। ये आप सारे के सारे पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों। तो ये थी आज की विशेष अपडेट अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर। और जी हाँ, इसी प्रकार से अपडेट चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।